आज मुझे ये बताया गया है कि आप लोगों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। नहीं, जाना तो पड़ेगा, मना नहीं कर, लेकिन उसके लिए नहीं जाना। किसके लिए? पेट के लिए। नीचे भोजन तैयार है, इसलिए थोड़ा सा घबराना मत, टेंशन नहीं लेना, थोड़ी सी मेरी बात दिल से सुन लेना, क्योंकि रविवार तो क्या करें जी, 7 दिन में एक बार आवे, और कई चेहरे वो हैं जो केवल रविवार को ही आएंगे। देखो, मैं इसी बात पर बात शुरू कर रहा हूं, पहले वो बात बोल देता हूं। कल बतलाया था, प्रकृति का एक नियम होता है, अध्यात्म का एक नियम होता है, और विज्ञान का एक नियम होता है। प्रकृति का नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ये किसका नियम है? ये प्रकृति का नियम है, बस जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और अध्यात्म का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये अध्यात्म का नियम है। और विज्ञान का नियम है, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, एक्शन के ऊपर रिएक्शन है, तो जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, ये नियम है। और प्रकृति, अध्यात्म और विज्ञान के नियमों की जो नियमावली है, वो उसी तरह हमेशा से जैसी चली आ रही है वैसी ही चलती रहेगी, इसमें कोई फेर बदल नहीं होता है। हमने अगर फेर बदल करना है प्रकृति, अध्यात्म और विज्ञान के नियमों को सामने रखते हुए अपने इस नादान मन को समझाना है, क्योंकि सब चीज निश्चित है, लेकिन ये मन कहीं ना कहीं अपनी अड़ंगेबाजी लगाता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने लिए ही सोचता रहता है। ये कहीं ना कहीं प्रकृति को, अध्यात्म को, विज्ञान को झूठा साबित करने का अपनी ओर से भरसक प्रयास करता है। ये मन की आदत है, ये मन की चाल है, ये चालबाजियां हैं इस मन की, ये मन ही गलियां निकालता है। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण, रमणीक वाणी, जरूर देखें